काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। नीट मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ दाखिल हुई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई। कल ही एक याचिका दाखिल हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर हुई है सुनवाई। और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि काउंसलिंग पर फिलहाल किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल काउंसलिंग की शुरुआत भी होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। नीट को नीट जिन छात्रों की तरफ से अपीयर किया गया था, जिनका नीट क्लियर हो गया, उनका काउंसलिंग सेशन जो है वो शुरू होगा। और जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें एक मांग ये भी थी कि जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ मुख्य मांग, प्रमुख मांगों में ये भी था कि पूरे के पूरे नीट एग्जाम को रद्द किया जाए, फिर से टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए, जो रिजल्ट रिलीज किया गया है उसे भी कैंसिल किया जाए। एनटीए को नोटिस जारी किया गया है, बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जवाब मांगा गया है एनटीए से। काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार सुप्रीम कोर्ट का। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी इस पूरे मामले पर। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं, मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, क्या हुआ कोर्ट में इस पूरे मामले पर आज सुनवाई के दौरान? देखिए, दरअसल आज मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से ये मांग की गई कि नीट ने जो 4 जून को रिजल्ट दाखिल किया था, अब उसके तहत जो काउंसलिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी, लिहाजा सबसे पहले काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है, इसलिए हम नोटिस जरूर जारी करेंगे एनटीए को। एनटीए की तरफ से जो वकील थे वो अदालत में ही मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नोटिस एक्सेप्ट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को इस पूरे मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। यानी आम भाषा, सरल शब्दों में मैं कहूं तो नीट में जो 24 लाख अभ्यर्थी थे, फिलहाल उनको सुप्रीम कोर्ट से फौरी कोई राहत नहीं मिली है। इतनी राहत जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन जो सुनवाई की अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की है वो 8 जुलाई की है। और आज जो है, आज 11 जून है, एक लंबा मतलब लगभग 30 दिनों के आसपास का ये समय है, तो उसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। और एक बार अगर किसी भी छात्र का एडमिशन हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि उसे आप रोल बैक करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर से जो याचिका करता है यानी जो नीट के छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि कम से कम काउंसलिंग पर स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि आज 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कुल इस मामले में 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यानी कल या फिर उसके अगले दिन यानी गुरुवार तक सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं जो होंगी वो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होंगी। तब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख यही रहता है, लेकिन आज की तारीख में कोई भी फौरी राहत नहीं है, काउंसलिंग पर रोक नहीं है, यानी जो छात्र जिन छात्रों ने जो नंबर पाए हैं उस नंबर के आधार पर उन्हें उनके मेडिकल कॉलेज में, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसमें दाखिला मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि ये भी इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक झटका, चूंकि उम्मीद कोर्ट से थी, ये प्रमुख मांग थी कि काउंसलिंग पर रोक लगे और काउंसलिंग भी जल्द ही शुरू होने वाली। आशीष, एनटीए को जवाब देने के लिए कितने दिन का वक्त दिया गया है? एनटीए जब जवाब देगा तो अगली सुनवाई जो होगी उस पर क्या फिर उसमें चर्चा होगी? देखिए, उसमें जवाब दाखिल होगा, 8 जुलाई तक एनटीए को जवाब दाखिल करना है। तब तक एनटीए ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी की रिपोर्ट दिया जाएगी और वो जो कमेटी है की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। तो अब चीजें इतनी आसान नहीं रह गई हैं जितना पहले लग रही थी कि नहीं, छात्रों को तुरंत सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, तो वो राहत जो फौरी राहत है वो मिलती नहीं दिख रही है। इसे आप फौरी राहत कहें या मुख्य राहत कहें, क्योंकि जब मामले की सुनवाई एक लंबे समय के लिए टल जाती है यानी जवाब दाखिल करने के लिए लंबा समय दे दिया जाता है, तो फिर उस दरमियान कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो नीट के जो दूसरे छात्र हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है वो अपनी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, क्योंकि 8 जुलाई बहुत लंबा समय है। आज 11 जून है, 8 जुलाई कहां पर है, लगभग 28 से 29 दिनों का फर्क है। 28 से 29 दिनों में काउंसलिंग हो जाएगी। एक बार काउंसलिंग हो जाएगी तो अगर किसी छात्र को एडमिशन मिल जाता है तो आप उसके एडमिशन को हटा तो नहीं सकते ना, उसे रद्द तो नहीं कर सकते, क्योंकि जितना राइट आपके मूल अधिकार का आपके पास है उतना ही राइट उस छात्र के पास भी है। तो इसलिए चीजें बहुत मुश्किल है, डगर बहुत मुश्किल है। हालांकि 2 अलग अलग हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करता है तो ऐसे में हाईकोर्ट भी बहुत ज्यादा दखल नहीं देते हैं। तो आज की तारीख में कहें तो नीट के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मेरे हिसाब से एक बड़ा झटका लगा है। जो राहत उन्हें चाहिए थी वो राहत उन्हें नहीं मिल पाई। आशीष, आप कह रहे हैं कि ये मांग हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से किस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई हो, चूंकि 8 जुलाई अगली तारीख दी गई है, लेकिन जस्ट इन केस अगर कोर्ट इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई
की याचिका नहीं मानता है तो फिर इसके अलावा क्या कोई और विकल्प बचेगा इन छात्रों के पास, याचिकाकर्ताओं के पास? देखिए, अब कोई विकल्प बचा भी नहीं है, केवल विकल्प एक ही है आपके पास। अब उसमें वो से विकल्प भी आप नहीं करेंगे कहेंगे, आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको रिलीफ चाहिए होगी तो, क्योंकि 8 जुलाई की लंबी तारीख है और आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगानी पड़ेगी कि जो नोटिस का पीरियड है, जो 8 जुलाई को तारीख तय की गई है, उसे 2 या 3 दिनों में या फिर 4 दिनों के भीतर एनटीए से जो है वो जवाब मांगा जाए। हालांकि एक बार ऑर्डर देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जवाब कब तक दाखिल करने के लिए बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना बोला कि हम नोटिस जारी करते हैं और उसके बाद में ये पता चला कि अगली सुनवाई 8 जुलाई के लिए तय कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इतना कहा कि एग्जामिनेशन की जो पवित्रता है उस पर सवाल उठाए गए हैं, इसलिए हम याचिका पर सुनवाई करेंगे। हालांकि जब एडवोकेट अपीयर हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि समर वेकेशन में आखिर सीनियर एडवोकेट कैसे अपीयर हो रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के मन में थी। बहुत लाइट मूड में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे उस दौरान लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे वो तल्ख थे, वो एनटीए पर सीधा तौर पर सवाल उठाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस मामले में अभ्यर्थियों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराएं, 8 जुलाई का इंतजार ना करें, क्योंकि अगर 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होती है तब तक हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा और फिर वो हाथ में वापस नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, ये तो एक पॉइंट हो गया, काउंसलिंग रोकने की मांग की गई थी। इसके अलावा एक मांग ये भी थी याचिका में आशीष कि जो पूरा का पूरा पेपर है वो रद्द कर दिया जाए, जो रिजल्ट आए थे उन्हें कैंसिल किया जाए। इन पॉइंट्स पर भी क्या चर्चा हुई? देखिए, शुरुआत में इन पॉइंट्स पे चर्चा नहीं होती। जब भी पिटीशन फाइल किए जाते हैं उसमें 2 तरह की प्रेयर होती है, एक इंटरिम प्रेयर होती है, एक मेन प्रेयर होती है। तो इंटरिम प्रेयर में कोई भी वकील हो वो यही कोशिश करता है कि सबसे पहले जो चीजें मिल सकती हैं आसानी से उस पर हमें सबसे पहले अंकुश लगाना है और जिन चीजों से सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है उन चीजों को कंट्रोल में करना है। और यही वजह है कि उनके वकील ने ये कहा था कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि अगर काउंसलिंग पर रोक लगती है तो फिर इस पूरे केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोर्ट ने मामले की नोटिस तो जरूर जारी किया, 8 जुलाई की तारीख भी सूचीबद्ध कर दी, लेकिन ये पूरा मामला अब कानून की पेचीदगियों में फंस गया है। अभी आने वाले समय में आप ये तय मान के चलिए अंजलि कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं जो हैं वो दाखिल होने वाली हैं। अब उन याचिकाओं में देखना ये होगा कि क्या कुछ मांग की जाती है, क्योंकि हर हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच होती है वो चेंज होती है, यानी जो जजेस होते हैं वो चेंज होते हैं। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते जब दूसरी कोई बेंच आए और नई याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो शायद वो जल्द सुनवाई कर ले, ऐसी उम्मीद छात्रों की भी होगी, ऐसी उम्मीद हमारी भी है। वो इसलिए क्योंकि 24 लाख छात्रों का भविष्य जो है वो दांव पर है। बिल्कुल, चूंकि लूपहोल्स कई सारे हैं आशीष, कई अलग अलग स्तर पर धांधलियां नजर आती हैं, ग्रेस मार्क्स को लेकर एक विवाद है, साथ ही साथ एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों का क्लियर होना ये भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है उन छात्रों को जिन्होंने याचिका दाखिल की है या फिर जो आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई क्या कोर्ट में आज? नहीं, देखिए, आज मेन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीधा नोटिस जारी करते हैं, फिर उनकी काउंसिल की तरफ से कहा गया कि नहीं, आप काउंसलिंग पर रोक लगा दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नोटिस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन की पवित्रता पर सवाल उठा है। बमुश्किल से मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट की ये पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली होगी। अमूमन जो पहली सुनवाई होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पिटीशन एडमिट भी करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है, ठीक इस केस में भी ऐसा हुआ। लेकिन ये बात देखने लायक थी क्योंकि वहां पर एनटीए के जो वकील थे वो मौजूद थे, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवर्स ऑर्डर पास करता अगेंस्ट द एनटीए, मान लीजिए कि काउंसलिंग को रोक की जो मांग थी अगर सुप्रीम कोर्ट उसे मानता तो मुझे लगता है कि एनटीए के जो वकील थे वो उसका विरोध जरूर करते, शायद इसीलिए वो वहां पर थे। लेकिन आज की तारीख में छात्रों को राहत नहीं। बिल्कुल, तो देखिए ये एक झटका भी छात्रों के लिए जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और उम्मीद थी एक कोर्ट से। फिलहाल काउंसलिंग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं। आपका शुक्रिया आशीष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।